हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। आ जाओ तो चलते हैं न्यू वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में आपने अच्छा सपोर्ट किया। जैसे कि मैं न्यू यूट्यूब पे, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार। बहुत मोटिवेशन मिली है मेरे को लास्ट वीडियो से। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके इंटरनेट स्पीड के रिगार्डिंग कुछ बातें, ठीक है। जैसे कि आप लोग, हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाईफाई नहीं लगवा सकते, इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम मोबाइल नेटवर्क से ही अपना जो भी काम है वो करते हैं। मैं भी मोबाइल नेटवर्क यूज करता हूँ, जियो चलाता हूँ, ठीक है। तो जियो की सेटिंग बता रहा हूँ कुछ कुछ। पहले मैं पबजी खेलता होता तो लाइक पिंग वगैरह बहुत हाई रहता था। तो ऐसे ही मैंने कुछ रिसर्च वसर्च वगैरह किए, तो मैंने सेटिंग ढूंढनी थी कुछ, ठीक है। अभी भी एक कुछ नई सेटिंग ढूंढनी है, वो आपके साथ शेयर करना कर रहा हूँ यार। उससे आपकी इंटरनेट स्पीड पे ना बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब जो अपलोड स्पीड होती है वो आपकी बहुत इंक्रीज होगी, बाय गॉड, ठीक है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, प्रूव के साथ आपको पता चल जाएगा, काफ़ी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आपने मोबाइल की अपने सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाके यहाँ पे सर्च करना है आपने एक्सेस पॉइंट नेम, ठीक है। एक्सेस पॉइंट नेम होगा, या आप सर्च कर सकते हो एपीएन। अगर एक्सेस पॉइंट नेम नहीं आता तो एपीएन होगा आपके फ़ोन में, ठीक है। सर्च करके इसके अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल आपका डिफ़ॉल्ट होता है पहले, तो यहाँ से आपने थ्री डॉट पे क्लिक करके न्यू एपीएन आएगा, या यहाँ पे प्लस का आइकन होता है नीचे, तो न्यू एपीएन क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। देखो, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप क्रिएट करना। लाइक अगर मैं कोई भी डिजिट है स्मॉल लेटर में डालता हूँ या कैपिटल लेटर में डालता हूँ, तो वैसे ही डालना है आपको, नहीं तो ये आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने जो न्यू एपीएन बनाया है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। माइक्रो स्पेस स्पीड 2.0, ओके कर दो। देन एपीएन में जाना है, यहाँ पे आप लिखोगे माइक्रो स्पीड डॉट 2. सॉरी डॉट नेट, ओके। एपीएन में नेट लिखना है, माइक्रो स्पीड डॉट नेट। और प्रॉक्सी पोर्ट हम छोड़ देंगे, सीधा आ जाएंगे यूज़र नेम पे। यूज़र नेम पे आपने लिखना है माइक्रो डॉट स्पीड 2.0, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये सब छोड़ दूंगा, ताकि आपको हेल्प हो जाए कैसे डालना है। तो आगे कुछ नहीं, अपना सर्वर है, सर्वर में आप लिखोगे लाइक www. मैं google.com लिख रहा हूँ, आप ये भी लिख सकते हो, वरना आप jio.com भी डाल सकते हो, www.jio.com। और इसके बाद आपने ये कुछ भी नहीं छेड़ना है, MCC MNC, ये आपका एरिया कोड होता है, इसमें बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं करनी। सीधा आ जाना है आपने नीचे ऑथेंटिकेशन टाइप पे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैप और चैप नीचे ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट कर देना, ओके कर देना है। अब एपीएन टाइप ऐसे छोड़ देना है डिफ़ॉल्ट। एपीएन प्रोटोकॉल, इसमें IPv4 और IPv6। अब आ जाएंगे हम एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में, इसमें भी IPv4 और IPv6, ठीक है। अनबेरर में आप क्लिक करोगे, अनस्पेसिफाइड अनक्लिक करके ना, देन उसके बाद जितने भी ऑप्शन होंगे वो टिक कर देने आपने। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से मोबाइल ऐसे होते हैं जिसमें एक बेरर सपोर्ट करता है, तो उसमें सिर्फ आप LTE सेलेक्ट करोगे और देन ओके कर दोगे, ठीक है। इसके बाद हम थ्री डॉट में जाएंगे, सेव करेंगे सेटिंग को, ठीक है, और इस पे अप्लाई कर देंगे, इस सेटिंग पे, ठीक है। जब भी मैंने अप्लाई किया, मैं आपको दिखाता हूँ इसका जादू, ठीक है। स्पीड के लिए मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ, स्पीड टेस्ट। तो देखो क्या जादू होता है, गो। ओ, देखो ये लिखा आ रहा है पिंग 33 ms आ रहा है, और जीटर 4 ms, और
यार डाउनलोडिंग स्पीड देखो भाई, मतलब 26 MBPS की स्पीड आ रही है, गांव में रहता हूँ मैं। और अपलोड स्पीड देखो कहाँ पे जा रही है, नहीं नॉर्मल रहती थी मेरी 3-4 3-4। तो जैसे कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा चुका हूँ, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। यार अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है, मोटिवेशन मिलेगी मेरे को। तो ठीक है भाई, अलविदा, सत श्री अकाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक टेक केयर।